नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आगरा दौरे पर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फतेहाबाद ब्लॉक के मेवली खुर्द गांव गए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। गांव की गोचर भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं देने के मामले में उन्होंने खंड विकास अधिकारी को फटकार भी लगाई। चौपाल का आयोजन किया गया, सरकार की अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, किसानों की से जुड़ी हुई विषयों की जानकारी दी गई और जहां कहीं भी विकास के कार्य में कोई देरी है उसे तीव्र गति से आगे बढ़ाने और जहां कोई गड़बड़ी है उसे सुधार करने और जन सहभागिता के आधार पर सरकार भी प्रयास करे और समाज भी प्रयास करे जिसके आधार पर प्रदेश आगे बढ़े। गांव का विकास जब होता है तो प्रदेश का भी विकास होता है, देश का भी विकास होता है। इस बात को ध्यान में रखकर के आज यहां गांव चौपाल के माध्यम से अनेक विषयों की चर्चा की गई, बहुत उत्साहवर्धक। प्रशांत किशोर ने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा तो नहीं की लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया कि बिहार में वो नए राजनीतिक अस्तित्व को खड़ा करने के लिए ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो किसी नए राजनीतिक दल की घोषणा करने नहीं जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो लोगों से संवाद करके योजनाओं को जनता के सामने रखेंगे और साथ ही पीके ने यह भी कहा कि अगर इसके बाद कोई राजनीतिक दल बनाने का फैसला होता भी है तो ये पार्टी अकेले मेरी नहीं होगी बल्कि ये सब जन सुराज की परिकल्पना होगी और इसमें सभी लोग साथ जुड़ेंगे। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने राजद और नीतीश कुमार से शासनकाल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दोनों बड़े नेताओं ने 30 साल तक शासन किया पर इसके बावजूद बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सके और बिहार में आज मूलभूत सुविधाओं की कमी है। प्रशांत किशोर ने इसके साथ 2 अक्टूबर को गांधी की कर्म भूमि रही चंपारण की धरती से पदयात्रा करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस पदयात्रा में 6 से 8 महीने का समय लग सकता है और इसके बाद वो जनता के सामने अपनी योजना और रणनीति को रखेंगे। प्रशांत किशोर के राजनीति की पिच पर उतरने की खबरों पर बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वो सारे देश घुमाए, सब जगत से लौटा दिए गए, अब वहीं पहुंचे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने तो उन्हें व्यापारी बताया जो देश के सफल लोगों के बीच अपना व्यापार करते हैं। बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहां तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूं, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में आप मुझे एग्जांपल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूँ, लगातार 8 महीने 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूँ। सारे देश से घूम आए हो, सब जगह लौटा दिया, लोग वहीं पहुंचे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। एक व्यापारी की हैसियत से लोग उनको जानते थे, उनका एक रोजगार था, व्यापार था, व्यापार ही उनका धर्म था, व्यापार ही उनका कर्म था, क्योंकि कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी। भारत के उन सारे हिस्सों में इन्हें घूमे जहाँ भाजपा से लेकर के कांग्रेस तक सबके भीतर उन्होंने अपने व्यापार को तलाशा, चाहे वो रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो। क्या लगता है, सफल लोगों को तलाशते रहे और उसी में जाकर के व्यापार अपना करते रहे। और अब उनकी जब खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी है तो बिहार के विकास पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पैसा और सत्ता इनका मकसद है। कहीं कांग्रेस से पैसा लेकर के वहां सरकार बनाते थे तो बुरी तरीके से फजीहत हो गई, अब खुद का दल बनाकर सामने आए हैं। लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी को बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के विकास पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी कि कितने रुपए में बिक कर आए हैं, क्योंकि इनका तो काम रहा है कि बिक करके किसी को प्रमोट करते हैं, किसी को डिमोट करते हैं। और अब उनकी जब खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागी है
तो बिहार के विकास पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं। चुनावी पिच पर पीके के उतरने की संभावना को देखते हुए राजद और जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। जदयू के वरिष्ठ नेता बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने प्रशांत किशोर की घोषणा को लेकर कहा, 30 साल पहले का बिहार और अब के बिहार में बहुत फर्क है। प्रशांत किशोर बिहार रहते नहीं हैं, इसीलिए उन्हें बिहार के बारे में कोई जानकारी है नहीं। प्रशांत किशोर के घोषणा को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर को हमारी पार्टी नोटिस नहीं करती है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि जिनके साथ प्रशांत किशोर जुड़े थे उनसे पूछें कि बिहार का विकास क्यों नहीं किया गया। हमारे को यात्रा करने से, नाचने से और क्या कहते हैं, गाना गाने से रोक देगा क्या? फ्रीडम है तो यात्रा करना, कौन पॉलिटिकल आदमी है वो? गांधी की धरती को उन्होंने चॉइस किया कि गांधी की धरती से ही ठीक है वो, तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों के लिए काम को करने किए हैं, इसके एक्सपर्ट हैं वो। प्रचार का नारा बनाते हैं, नारे के आधार पर वो कोई जीत जाता है, पूछते हैं हम ही जीता दिए। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल कड़क अंदाज में नजर आए। दरअसल हजारीबाग के अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। यहाँ पर सीता देवी महिला का 45 दिनों से टूटे पैर का इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया। मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ऑपरेशन के लिए पैसे मांग रहा है, जिसके बाद विधायक SBMCH के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर विनोद के कार्यालय पहुंचे और अपना गुस्सा दिखाया। फोन पर महिला मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर को फोन पर फटकार भी लगाई और सुप्रिटेंडेंट कार्यालय आने के लिए कहा। वहीं घंटों इंतजार करने के बावजूद डॉक्टर शंकर श्रीनिवास नहीं आए, जिसके बाद विधायक ने सुप्रिटेंडेंट से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और महिला को जल्द से जल्द इलाज देने के लिए कहा। जब मामला हम लोग के संज्ञान में आ गया, जब हम लोग उस पर बहुत दबाव बनाने लगे, तो कल जो है उसको रेफर कर दिया गया। ये बोलते हुए कि जो MP MLA और DC जब पैरवी कर रहे हैं तो वही लोग ऑपरेशन करेंगे, हम नहीं करेंगे। अभी हम लोग उसी